तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 को लेकर के BHU करेक्शन विंडो के लिए स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही है कि सर BHU के करेक्शन विंडो में देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त तक भी बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना ओपन कर रहे हैं पोर्टल, तो उनको BHU के ऑफिशियल पोर्टल पर करेक्शन करने का ऑप्शन, एडिट करने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां पर हम आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे, हर प्रकार से आपको अपडेट करते रहेंगे। सीधा चलते हैं BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि BHU ने अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था और ट्वीट करके बताया था कि 3 से 5 अगस्त के बीच में आपका करेक्शन होना है। लेकिन जब हम यहाँ पर वेबसाइट पर नीचे आते हैं तो मैं क्लिक करके अंदर जाऊं, उससे पहले भी कोई भी ऐसा नया पॉपअप इन्होंने नहीं बनाया है जिसमें करेक्शन विंडो को लेकर के चर्चा की गई हो। मैंने BHU PRO का ट्विटर हैंडल एक बार फिर से चेक किया कि क्या कोई अपडेट आई है क्या, कि अभी तक करेक्शन विंडो नहीं ओपन हो रहा था तो इस पर कोई स्टेटमेंट इन्होंने दिया हो, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। VC BHU के द्वारा भी मैंने इनका ट्विटर हैंडल चेक किया, यहाँ पर भी मैंने खंगाला कि कोई स्टेटमेंट इन्होंने दिया हो, इन्होंने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। यानी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना प्रभाव तरीके से, कोई भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए इन्होंने कोई भी अपना स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया है। अब सवाल ये रह गया कि सर अभी तक करेक्शन विंडो नहीं खुला है, 5 तक का ही डेट दिया गया था, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ऑफिस में पता करने का प्रयास किया जा रहा है तो ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है कि क्यों पोर्टल नहीं खुल रहा है। कुछ वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनका ये कहना है कि पोर्टल पर सारी चीजें ओपन कर दी गई हैं लेकिन स्टूडेंट के इंड में नहीं हो रहा है। लेकिन उस पर कोई भी ऑफिस, अगर किसी भी स्टूडेंट का नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पोर्टल में समस्या है, तो उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन BHU ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही सेंट्रल ऑफिस में जाकर के पूछने पर कोई स्पष्ट बयान दे रहा है। यानी ये समस्या आप सभी के साथ बनी हुई है। तो इस समस्या के निदान के लिए अभी आप सिर्फ यही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो मौका जल्दी मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। अगर अभी तक पोर्टल नहीं खुल रहा है तो हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद कुछ करेक्शन सही हो जाए और खुलने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी नहीं खुल रहा है तो आप लोग ट्विटर पर जाइए और ट्वीट करिए अपनी बातों को लिखते हुए कि सर मैं करेक्शन करना चाहता हूँ CUET PG के लिए BHU के करेक्शन फॉर्म में, और डेट दिया गया था 3 से 5, और अगर अभी तक नहीं खुल रहा है तो उस चीज को मेंशन करिए। और दो लोगों को महत्वपूर्ण रूप से, BHU PRO और VC Office BHU, इन दोनों ID को मेंशन करिए। साथ ही साथ मेरी ID विपुल सिंह BHU और चैनल की ID द स्टडी कैपिटल को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको लगे कि BHU के रिस्पॉन्सिबल है तो उनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इन दोनों लोगों को जरूर ट्वीट करिए और ट्वीट करके इनसे जवाब मांगिए, क्योंकि अगर ये लोग जवाब देंगे जल्दी तो इन लोगों को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स प्रेशर में हैं और वास्तव में करेक्शन विंडो सही से ओपन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि सर हमारे में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये समस्या आपकी दूर तभी होगी जब BHU ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, उसके अलावा कोई भी सोल्यूशन कोई यूट्यूब वाला नहीं दे सकता अभी आपको। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी अपडेट आएगी, जब भी इस पर कोई सही सूचना आएगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है CUET PG स्टडी कैपिटल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो अदर यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन के लिए है। वहां पर भी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट आते ही हम किसी न किसी चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक की जो अपडेट है उसके अनुसार करेक्शन पोर्टल में समस्या आ रही है और समस्या जब तक दूर नहीं होगी तब तक स्टूडेंट्स परेशान रहेंगे। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है BHU की तरफ से। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए स्टडी कैपिटल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।